तो हमारे कसूर हैं। हमने ये मुजाहिदीन तैयार किए क्योंकि अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके के जी वहाँ लड़ना है। देन इतने सालों में अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ रही, यहाँ पे हम इनको ख़त्म ही नहीं कर सके। इंडिया ने कैटेगोरिकली फिलीपींस को एक ऐसा देश जो विक्टिम है चाइनीज अग्रेशन का, उसको ओपनली कहा है कि आप चिंता मत करिए, भारत आपके साथ खड़ा है, आपकी सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करते हैं। इंडिया सपोर्ट टू द फिलीपींस फॉर अपहोल्डिंग इट्स नेशनल सॉवरेनिटी। और ये बिला जरूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान दे के वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। सपोर्ट कर रहे हैं लोग मुल्कों को, तो वो तो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर लगाते वो ईरान को भी कर रहे हैं, लेकिन जो फलस्तीन में हो रहा है वो तो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड में जो है ना पूरा एक बेचैनी है, जंग चल रही है, रशिया में देख लें आप कि क्या कुछ हो रहा है। तो अब ये वही वाले 9/11 वाला सीन जो हुआ था, उसके बाद इस्लामोफोबिया पे बात आ गई और मुसलमानों को कितने मुल्क तबाह कर दिए थे इंडिया वाले। बाकी जो बात है वो ये है कि मैंने एक तो बात आपसे की ना कि ये नहीं समझ में आ रहा कि ये नरेंद्र मोदी ये क्यों कर रहे हैं। Jaishankar's comments come amid Philippines maritime dispute with China in the South China Sea. और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है वहां पे, टारगेट किया है, टकाक जैसे वो कर सकते हैं। चाइनीज पे हमला हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अब डेस्परेशन देखिए, चाइनीज डेस्परेट है इंडिया की मार्केट के लिए, बिकॉज यूरोप ने बंद कर दिया, दे आर ऑलरेडी इनटू रिसेशन। जो उनके नेबर्स कंट्री हैं उनके साथ तो उनकी बनती नहीं है। किसके साथ नहीं बनती? पाकिस्तान के साथ, सबसे पहले चाइना के साथ उनकी थी बनती। चाइनीज कहते हैं कि हमें वापस चाहिए वो हेल्दी और स्टेबल डेवलपमेंट। दिन के साथ जो चाइनीज लोग हैं वो पाकिस्तान की दहशत गर्दी में मरे, चाइना का इस पे बड़ा एग्रेसिव किस्म का रिएक्शन आया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, चाइना को भी मार रहे हैं, आर्मी को भी मार रहे हैं, बंदों को भी मार रहे हैं, हो क्या रहे हैं? आने वाले वक्त में ये अटैक्स और होंगे, क्योंकि हमने ना हर तरफ एक जंग का माहौल बना दिया है। आप कह लें कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने या उनके चीफ ने या Dr. S. Jaishankar on Tuesday reiterated India's support to the Philippines in upholding its national sovereignty. Palestine ki aapne rai di hai, Pakistan ke andar musalmanon ka kitna bura haal ho raha hai, Balochistan mein kya aur Gilgit Baltistan mein kya, aur aapne to ek dafa bhi awaaz nahi uthai kya wo musalman nahi hai. Agar hum akele awaaz uthayenge to hum akele thodi na sari duniya ki madad kar sakte hain. To wo to Pakistan ka hissa hai. Pakistan ka hissa kar rahe ho. Palestine bhi hai Pakistan ka hissa. Palestine is not the part of Pakistan. अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, दो दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और एयर नेवी की एयर बेस में जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। क्योंकि जब भी चाइनीज डेलीगेशन लाहौर और इस्लामाबाद और कहीं भी आती है, उनके साथ हाई सिक्योरिटी भी होती है, तो मतलब इस धमाके के अंदर सिक्योरिटीज के अहलकार भी मारे गए, लेकिन मीडिया उसको नहीं बता। अच्छा, मुसलमान मुसलमान का भाई है इस तरह से कह रही हूं। या एक वो अपने बलबूते पे काम करता है, वो किसी से डरता नहीं है, वो किसी के आगे झुक नहीं रहा, चाहे वो हमारा मुखालिफ है। अच्छा। लेकिन वो किसी के आगे, वो अपने एक उसके जो फैसले हैं वो सॉलिड है। जो मैंने होश संभाला है 15 साल के बाद, जब से देखा है इंडिया स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वो एक मुल्क को तो वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तो मेरे हिसाब से देखें उनकी करेंसी, हमारे बड़े कहते थे कि हमारा जो 1 रुपया होता था तो उनके पैसे की करेंसी की वैल्यू नीचे थी, जो कि अब हमारे पैसे की वैल्यू नीचे आ गई है, उनके पैसे की वैल्यू ऊपर चली गई है। इसका मतलब है कि वो जो इंडिया है हमारा हमसाया मुल्क है, तो ये जो वो आपने बात की है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं लोग मुल्कों को, तो वो तो अफगानिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अंदर ले खाते वो ईरान को भी कर रहे हैं। अंदर ले खाते नहीं, सब कुछ जो करते हैं सीधा मुंह पे करते हैं। चले सीधे ही कर रहे हैं, मैं वो ईरान को भी कर रहे हैं, वो तो हमारे से जो भी है, मैं एक पाकिस्तानी नाते हुए, ये पाकिस्तान हमारी फौज एक जिंदाबाद है, लेकिन जो फलस्तीन में हो रहा है वो तो इसराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया वाले।
ने तो फलस्तीन में ट्रक भिजवा दिए, फलस्तीन ने तो उनको शुक्रिया बोल दिया है, पाकिस्तान को फलस्तीन ने कितनी दफा शुक्रिया बोला? पाकिस्तान जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, लोग जो तवक्कात पे वो बैठे हुए हैं, एक बंदा जो किसी की तवक्कात पे बैठा हुआ है उसकी वो तवक्कात पूरी नहीं होगी तो उसका आपको खाना भेजने का या कुछ सामान भेजने का मिस कोई फायदा मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर आपके हिसाब से फायदा नहीं है असलहा तो खैर इसराइल को हमने भी सप्लाई की है, यही तो वजह है कि ऊपर जो अमेरिका बॉस बैठा हुआ है पूरे वर्ल्ड का, तो हम जो लोग हैं हम उनके बगैर तो एक कदम भी नहीं चल पाते। इंडिया तो अमेरिका की सुनता नहीं, इसीलिए तो सुनता नहीं कि उसके ऊपर जो पंजाबी में मैं बात करता हूँ कि जो अर्शवाद है वो जैसे इसराइल के ऊपर सपोर्ट है उसकी अमेरिका की, ऐसे ही इंडिया के ऊपर शुरू से रही है। किसकी सपोर्ट? अमेरिका की। अमेरिका ने क्या कैसे बढ़ाया इंडिया को आगे ये बता दे। अमेरिका को जब वो एटमी धमाके उन्होंने किए हैं अपने मुल्क में इंडिया ने, तो पीछे अमेरिका की सपोर्ट थी तो उन्होंने किए, वरना कैसे करते। इंडिया टेक्नोलॉजी में इतना रिच है कि उनकी बहुत सी टेक्नोलॉजीज अमेरिका ले रहा है, ठीक है। अब आप उनकी पावर का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए, रशिया से तेल लेना था ना, हम नहीं ले पाए, उन्होंने अमेरिका के मुंह पे तमाचा दे के मारा, तुम लोग कौन होते हो भाई, हमारी आवाम के लिए जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा हम लेंगे, तुम लोग अपने रास्ते हम अपने रास्ते, उन्होंने तो उनको मुँह तोड़ के जवाब दे दिया था, हम दे सकते हैं? हम नहीं दे सकते। फिर तो गुलाम कौन हुआ? हम गुलाम है ना। फिर क्यों? वही बात मैं कह रहा हूँ मिस, कि आप हमारे लिए मोहतरम ही हैं, बड़ी बहन है छोटी बहन है लगा लें, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि वो स्टेप हर दिन आगे जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, हम हर दिन पीछे जा रहे हैं। और मजे की बात यह कि इंडिया ने पाकिस्तान को फिर रगड़ा है वहाँ पे, टारगेट किया टका जैसे वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो समझने की वाली है वो ये है कि इंडिया और चाइना जो हैं दे कीप टॉकिंग दे कीप डिस्कसिंग दे नेवर स्टॉप। ये होता है बड़े फोरम्स पे, जिस तरह चाइना एंड अमेरिका दे डोंट स्टॉप टॉकिंग एंड इंगेजिंग एंड शेयरिंग वट एवर दे आर थिंकिंग डिस्पाइट द डिफरेंसेस, लड़ रहे हैं जो मर्जी है लेकिन बोल रहे हैं, समझ रहे हैं बात को, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं, ये होती है समझदारी। हमारी तरह नहीं है कि गाल ही नहीं करनी, बोलना ही नहीं है, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं अजीत दोवल साहब, उनकी जो वांग जी है जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के तो मेंबर हैं ऑब्वियसली, पोलिट ब्यूरो के मेंबर हैं और डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ द सीपीसी फॉरेन अफेयर्स कमीशन, और क्योंकि आजकल वो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर गायब हुए हैं, सुने आज उनका वो फैसला आने वाला है, एक बहुत हाई लेवल पोलिट ब्यूरो की कमेटी बैठ रही है वहाँ पर। सो क्वेश्चन ये है, दोनों मुल्कों के एनएसएस बैठे और बात किस पे की, एलएसी के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि इंडिया का पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि हमारा 2020 से एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और पब्लिक एंड पॉलिटिकल जो रिलेशनशिप है वो डिस्टॉर्ट हो गया, एरोड हो गया हुआ, ठीक है जी। और इस हवाले से इंडिया, आपको देखें इंडिया अपनी बात पे बजिद है एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू मीडिया। तो आजकल इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। ईरान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं आप, अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स कर रहे हैं, इंडिया जो है वो उनकी जो एक्सरसाइज चल रही है वो सारी फोर्स लेके आपके बॉर्डर पे खड़ा। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है, हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा, हमारे पॉलिटिशियंस को परचेज करना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को ख़रीदना, हमारी इंतज़ामिया को ख़रीदना, ताकि वो लोग भी सी पैक के काम को रुकावट डालें और उस काम को ना होने दें। जब आप डिटेल में जाएंगे, डिटेल में चीज़ों पर गौर करेंगे तो आपको फिर पता लगेगा कि असल में इंटरनेशनल एजेंडा क्या है। जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आने वाली थी, अब वो उसके ऊपर, क्योंकि चाइनीज़ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही हमारे साथ ये है कि भाई आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते।
आप हमारे लोगों को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी ये शांगला में जो अटैक हुआ है, दो दिन पहले जो एक बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसे वो कहते हैं ना, उसने मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, ठीक है जी, वो ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी में आपको पता है वो घुस गया था। अभी वो कल रात उन्होंने एक और एयर नेवी की एयर बेस में जो हमला करने की कोशिश की, वो लोग मारे गए हैं। सो आप देखें एवरी डे जो है वो हमले हो रहे हैं और हमारे पास कोई वो नहीं है, एक चॉइस नहीं है, हम कहाँ भाग सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। सो पाकिस्तान को इन ग्रुपों से लड़ना पड़ेगा, और ये ग्रुप आप ऐसे नहीं लड़ सकते कि एक तरफ आप ये कहें कि भाई आधा आधा पाकिस्तान के जी हमारा तो ये मसला ही नहीं, और आधा पाकिस्तान के ये हमारा मसला है। मैं तो इस चीज़ को काफ़ी देर से ऑब्ज़र्व किया है, बोला हूँ, इस पर कॉन्टीन्यूसली बात भी की है कि ये एक कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच चाहिए। देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड यहाँ से छोड़ के चली गई है, उनका अब इस खित्ते में कोई सिक्योरिटी वाले वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। आपने खुद इन चीज़ों को एड्रेस करना है। अगर आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करते, तो ये आप देखें कि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज होगा, उस सेंस में कि आधा पाकिस्तान जो है वो सेफ बैठा हुआ है, आधा पाकिस्तान जो है वो गैर महफूज है। अब ये चाइना के जो पांच लोग हैं केपीके में, उनके ऊपर मतलब अटैक हुआ और पांच लोगों की जानें गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं क्या वजह है कि आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई धमाका हमें देखने को मिलता है, कौन करवाता है और कैसे रुकेगा? यार मेरे ख्याल में ये जो धमाका हुआ ना केपीके के अंदर, ये तो पहली बात, ये तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गलती नाकामी है, क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला हुआ है। आपको आइडिया होगा कि कितना प्रोटोकॉल है चाइनीज़ के पास। बिल्कुल, ठीक है। असल में ये करना चाह रहे हैं क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान पर कब्जा कर लेंगे। ये चाइनीज़ ने आज तक हमें क्या ही किया है? कुछ डॉलर्स दिए, आयरन फ्रेंड है हमारा। आप सर, आप आयरन फ्रेंड की बात कर रहे हैं, आपने कहाँ सपोर्ट किया आपने? हमने, हम तो सपोर्ट के लायक नहीं है चाइना ने। ना चाइना आपको कभी सपोर्ट करता है, ना पाकिस्तान कभी सपोर्ट करता है। तो ये जो सीपैक हम बना रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ी दोस्ती का ये एक निशानी है? सीपैक क्या अपडेट है सीपैक की 10 साल में? अभी काम रुका था, लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट आई है, सुना है कि साथ ही काम स्टार्ट हो जाएगा। कोई अपडेट आपके पास? कोई अपडेट नहीं है, कोई किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने सीपैक का कौन सा चेयरमैन रखा हुआ है आपको पता है? सीपैक का चेयरमैन आसिम बाजवा था लास्ट टाइम जब हमें सुनने में आया, जब केस बना। उसके बाद कौन सा सीपैक का चेयरमैन है, कोई आइडिया है आप लोगों के पास? कोई फैक्ट नहीं है, कोई फिगर नहीं है। सीपैक कब चलेगा, क्या चलेगा, कब क्यों नहीं चल रहा? लेकिन आम पब्लिक को तो ये बताया जाता है ना सीपैक गेम चेंजर है। पब्लिक ओपिनियन को चेंज किया जाता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, मसला नहीं है। आप सोशल मीडिया कैंपेन कर दें, पंपलेट लगा दें, ठीक हो गया कि चाइना सबसे अच्छा दोस्त है और किसी को आप चाइना चाइना आपके बाद इसलिए खड़ा है क्योंकि अमेरिका, ठीक है, जब तक अमेरिका है, अमेरिका को पता है अगर पाकिस्तान बीच से हट गया तो अमेरिका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चाइना, चाइना को बीच में एक सपोर्ट चाहिए अपने इस कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है? अब कुछ अपने साथ बंदे चाहिए, ठीक है, जैसे रशिया के अलायंस में आपके साथ आ गए। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान रशिया के साथ अलायंस कर ले तो पाकिस्तान सिचुएशन बेहतर होगी या नहीं होगी? बेहतर होगी, ठीक है। 70 ईयर्स में हम यूएस के साथ खड़े रहे, कोई हमें यूएस ने कुछ नहीं खास नहीं दिया, ठीक है। और इसी तरह चाइना देखें, चाइना ने हमें कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं दिया। आप बोलें कि चाइना ने हमें ये कोई नेशनल प्रोजेक्ट दिया नहीं, और बड़ी एक चीज इसमें ये भी है कि देखें, अगर सीपैक भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जितनी भी ग्वादर में इंडस्ट्रीज हैं वो सारी चाइनीज की हैं। मतलब हम वहाँ पे ऐसे वर्कर काम करें, आपको वर्कर मिलेंगे, आपकी 70-80% उनकी उनका वर्कर होगा, चाइना का वर्कर होगा, पाकिस्तान का वर्कर कहाँ जाएगा, पाकिस्तान की लेबर कहाँ जाएगी? भी आप देखें कि वो उन्होंने थोड़ा सा आपको टाइम दिया था इलेक्शन का, ठीक है जी। अब वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि एक थियोक्रेटिक स्टेट हो। वो तो इलेक्शंस को मानते ही नहीं है, वो हमारी हुकूमत को नहीं मानते, वो हमारी जुडिशरी को नहीं मानते, वो हमारे किसी चीज़ को भी नहीं मानते। वो कहते हैं हमने इनके खिलाफ एक आर्म्ड स्ट्रगल करनी है, दिस इज़ व्हाट द डिमांड इज। वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते, वो आपकी एक सेल्फ स्टाइल्ड इस्लामिक गवर्नमेंट लेके आना चाहते हैं। तो हम क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं? हमने तो 75 साल में, देखें माजी में अगर चले जाएँ तो हमारे कसूर हैं। हमने ये मुजाहिदीन तैयार किए क्योंकि अमेरिका के साथ मिलके, सऊदी अरब के साथ मिलके कि जी वहाँ लड़ना है। देन इतने सालों में अमेरिका और इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारे साथ रही, यहाँ पे हम इनको ख़त्म ही नहीं कर सके। और अगर ख़त्म करना भी था, देखिए कर तो अमेरिका भी नहीं सका। जो जंग वो लड़ने आया था, वो जंग को अधूरी छोड़ के चला गया। आज वो जंग जो है उधर की उधर ही खड़ी हुई है, और हम जो है वो एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। और इसमें बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हमारा जो काउंटर मिलिटेंसी फ्रेमवर्क है वो बहुत ही सादा है, आसान है, ठीक है। अब देखें,
कि जो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या दाइश खुरस्तान है, ठीक है जी, ये जो एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी है, ये बलोच ग्रुपों की, एक तरफ फेथ बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स है, दूसरी तरफ एथनो सेपरेटिस्ट इंसर्जेंट्स हैं, ये दोनों को जो डील करने का, जिसे आप कहते हैं ना काउंटर एक्सट्रीमिज्म, एक टर्म होती है प्रिवेंटिंग एंड काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म, इसे बोलते हैं PCVE, ये डिफरेंट है इन दोनों की, ठीक है जी। सो ये जो हमारा जो थ्रेट है वो बड़ा डिफरेंट किस्म का है, दोनों तरफ से डिफरेंट है, और इसीलिए बहुत सारे